Yeah, very straight. Very straight. Salman, why is golf seen as a rich man's sport? And we've seen the movie where a rich looks down upon a poor man when he tries to enter this rich man's sport. So why does that happen? इसका जवाब आप ही मुझे देंगे. इसका जवाब है आपके पास? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है. आपसे देखिए, पहले तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा आपको रियल एस्टेट चाहिए, गार्डन चाहिए, ओके. उसके ऊपर से द गार्डन हैज़ टू बी इक्वल, फिर वहाँ पर पानी, यू नो, लैंडस्केपिंग. ये तो हुआ. बगल के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत वे पीपल सिट डाउन वगैरह वगैरह. तो जैसे कि 18 कोर्स गोल्फ क्लब है, वो 18 कोर्स गोल्फ क्लब मुंबई में इस वक्त पॉसिबल है नहीं है. दूर भी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर ये स्पेस पॉसिबल है. फिर वो बॉल्स, क्रिकेट में एक बॉल होता है, यहाँ पे ढेर सारे बॉल्स होते हैं. क्रिकेट में एक बैट होता है, यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स होते हैं. फिर एक आदमी के साथ दो आदमी चलते हैं. फिर वो गोल्फ कार्ड्स होते हैं. तो ये गेम बेसिकली मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था वॉकिंग के लिए. अब वो इतने अच्छे बड़े प्रोफेशनल लेवल पर आ गया है कि इट इज़ बिकम द लार्जेस्ट सेलिंग स्पोर्ट राइट नाउ, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट राइट नाउ आफ्टर क्रिकेट और बिफोर क्रिकेट इवन. यहाँ पे क्रिकेट है लेकिन बाहर गोल्फ भी है. अब जैसे हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल है. अब बास्केटबॉल तो हम लोग यहाँ पे खेल लें, वहाँ पर एक बास्केट डाल दें एक पोल के ऊपर, वहाँ पर एक बास्केट डाल दें पोल के ऊपर. आबादी इतनी है कि 11 वहाँ पे चल जाएंगे, 11 यहाँ पे चले जाएंगे. But who asked this question? Just you, right? You know, it's a very valid question, and that's what the film is all about. That there's a perception of golf, or tennis, or billiards. You know, where only the elite plays the game, and that's exactly what we have tried to break in the film.